हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पोरू 99 और आप सबका स्वागत है मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम खेलने वाले हैं फीफा 20। इसका डेमो आ चुका है, आप भी खेल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये करीब करीब 6 GB या 7 GB के आसपास का है, जैसे आप देख सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, हम चेकआउट करने वाले हैं इसमें क्या क्या नया है, क्या क्या नए, कैसा फील आता है खेलने में, मतलब कुछ डिफरेंसेस हैं फीफा 19 और 20 में या बिल्कुल सेम है, बस एक दो चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, वो तो देखने में खेलने पे पता चलेगा। अगर आप सबको मजा है इस वीडियो पे, धमाकेदार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। मैं आज ही डाल दूंगा इस वीडियो को, जैसे ये रैंक हो जाए बाय चांस, क्योंकि वैसे तो रैंक हो नहीं रही है कोई वीडियो, अगर ये हो गई तो अच्छा है। देखते हैं भाई, अभी तो खेलने वाले हैं तो चलिए खेलते हैं। ओके, ये यहाँ पे न्यू फीचर है, पहले दिखा दूँ मैं आपको। ये एक फुटबॉल इंटेलिजेंस और प्लेयर इंस्टिंक्ट है, इनने कुछ नया AI सिस्टम करा है, वो अभी आपको दिखाता हूँ 2 मिनट में। मैं देख लिया है, वो टेस्ट नहीं करा मैंने, बस देखा है कि वो अवेलेबल कैसे है। और ये देखो न्यू गेम प्ले फीचर्स, बॉल का मोशन अलग है, डिशेज ये सब डिसाइसिव मूवमेंट्स अलग टाइप ऑफ ये सब हैं। और क्या अल्टीमेट टीम में ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ और भी डाला है, सिट बैक एंड रिलैक्स विथ FUT फ्रेंडलीज, अ न्यू सोशल मोड इन टेक योर टीम हाउस रूल्स अगेंस्ट, अपने दोस्तों के साथ जो मर्जी करना करो भाई, कुछ फिक्र ही नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए रे बिंदास। और ये सीजन ऑब्जेक्टिव्स कुछ करके आया है, वो तब जब आएगा तभी पता चलेगा। ये करियर मैं खेलता नहीं हूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका, खेलेंगे किसी दिन। और ये वोल्टा आया है, ये 27th लिखा है, लेकिन हम खेलने वाले हैं जहाँ तक है विद इन 7 days हमें खेलने को मिल जाएगा, विद इन 7 days होपफुली, या तो 7 मतलब या तो 20 तक मैक्सिमम मिल ही जाएगा हमें खेलने को ये गेम, इतना पता है तो सही है ना। 20 को खेलेंगे ना आराम से गेम, कोई चिंता ही नहीं। पहले एक बार मैं वोल्टा फुटबॉल खोलना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ ये है क्या। इन लोगों से अब रोनाल्डो और मेसी का वो चला गया है, क्या कहते हैं, लाइसेंस, तो वो अब कवर में डाल नहीं सकते उसको ये लोग। देखने में तो अच्छा है, जब करने की बात आएगी ना तब पता चलेगा। ऐसे भाई ये जो दिखाते हैं ना, ये मेरे से साला आज तक नहीं हुआ, एक बार बस मैंने वो जो उल्टा किक करके मारते नहीं है, बॉल उछारी पैरों से, बॉल उछाली और उल्टी किक मारी, मैंने ट्राई किया था, गोल की बिल्कुल साइड से गई, बिल्कुल साइड से। वो अगर पड़ जाता ना भाई मजा ही आ जाता। Yes, I'm in. I don't know which difficulty I'm gonna play on. ये बिल्कुल मेरे को FIFA Street की याद दिला रहा है, बिल्कुल FIFA Street की याद दिला रहा है मुझे ये। भाई ये क्या है, मुझे थोड़ा ये कलर देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए मेरे को समझ में आ नहीं रहा है हो क्या रहा है, थोड़ा आदत पड़नी पड़ेगी पहले इसकी। भाई ये तो गिर रहे हैं ऐसे, गिर पड़े इंसान ये लोग। गया गोल,
अबे मैंने घुसेड़ दी। चलो बढ़िया, तो मजा आता था फीफा स्ट्रीट खेलने में, लेकिन सालों ने सर्वर ही बंद कर दिया। वैसे मैंने ऑनलाइन खेला नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन तब भी यार सर्वर बंद कर दिया, मेरी थोड़ी ट्रॉफी अटक गई उसकी। ट्रॉफी करता मैं उसके आराम से बैठ के। अब ट्रॉफी अटक गई इसलिए अब मतलब क्या ऑनलाइन बंद कर दिया ना, इसलिए आलस भी आ रहा है कि अब कौन खोलेगा भाई उसको। अरे यार ये टाइम मीटर हटाना है, रुक जाओ यार, टाइम मीटर कहाँ से मैं हटा सकता हूँ क्या? अभी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है टाइमिंग मीटर यार, बहुत गंदा लगता है मुझे। गेम सेटिंग, प्लेयर इंडिकेटर, नहीं ये हट नहीं सकता क्या? क्या है यार ये आफत है, मेरे को बिल्कुल गंदा लगता है ये। कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भाई, इसमें भी फाउल होता है भाई साहब। कहीं यार मैं शूट करने के लिए नहीं दबाया था मैंने सर्कल। ओहो 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 मेरी चमक चल लो। वो रिकॉर्ड हो गया कौन से पे, आईफोन पे करा है किस पे करा है इन लोगों ने? नॉच तो आ नहीं रही है, तो आईफोन नहीं हो सकता। नॉचलेस कौन कौन से फोन आए अभी? अरे भाई साहब फर्स्ट टू फोर है। अच्छा ठीक है फर्स्ट टू फोर है ना, मैं वही सोचू कुछ टाइम टाइम शाइम तो होगा। अरे क्या उसको पास दे रहा फिर मैं इससे ले रहा हूँ? अरे मैं उनका स्किप क्यों कर रहा हूँ जब खुद का देख रहा हूँ। ये वापस उसको पास करेगा भी है। अरे यार मैंने फर्स्ट टू थ्री करवा लिया इन लोगों को, एक ही बंदा कर रहा है इनका। अरे यार ये टाइम वाला नहीं होता ना, अभी मेरे गोल हो चुके होते चार। ये भी फर्स्ट हाफ हुआ होगा। अरे यार ओ ये सही था। अरे यार इससे नहीं होगा यार, ये मेरे से नहीं होगा, ये टाइमिंग मुझे हमेशा गंदी लगती है भाई। पूरा ध्यान रखना पड़ता है यार मीटर पे, कौन रखता है तो ध्यान। इतना भी रियल एस्टेट करने के किसने बोला था इन लोगों से? मैं तो ऐसे ही लेके जा रहा हूँ भाई ऊपर। वैसे तो होना नहीं है तो ऐसे ही लेके चला गया मैं गोल। ये सच बताऊं ये येलो वाला मुझे कीपर टाइप की फीलिंग दे रहा है कि ये कीपर होना चाहिए था, क्योंकि बाकी ये दोनों ब्लैक कलर की पहन के बैठे हैं और ये सर वो उसकी येलो की पहन के बैठा है।
अरे देखने तो दे, ये लड़की थी लड़का था, ये पहली बार तो ये समझ नहीं आ रहा मुझे इतनी देर से। ओके एडवांस, क्या ये लात मार के पीछे भेज देगा? मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि ये चीज वापस आ गई ना। देखा, मेरे को पता था ये लात मार के पीछे फेंक देगा। थोड़ा जर्नी नहीं है क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ अब ये दिखाता हूँ एक बार, रुक जाओ। इधर मैं रियल मैड्रिड तो सेलेक्ट कर लेता हूँ, इधर पेरिस कर, अरे यार बैक करो, R3 दबाने पे ये देखो। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो मेरे को लग रहा है ये उस टीम का ही है, मेरी टीम का, ठीक है। लेकिन अबे भाई साहब, उधर ऊपर प्रोफेशनल कहाँ से कर दिया? अब खेल लेंगे प्रोफेशनल पे और क्या। मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा, मैं इसको चेंज कर पा रहा हूँ। अब ये मैं, ये जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ वो हट जाता है, और यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन दे रहा है। स्टार्टिंग स्कोर ये सब मेरे को समझ में आ नहीं रहा, अभी आदत पड़ी नहीं है इस चीज की। एक सेकंड, नहीं ओए नहीं, दोनों के जीरो होने चाहिए, चीटिंग नहीं चलेगी। अच्छा कोई और, कोई ट्रॉफी के लिए अगर एडवांटेज रखना चाह रहा है अपने पास ज्यादा गोल या उनके पास ज्यादा गोल, तो उसके लिए है ये चीज। सही चीज तो है ये, तो मैं कहूंगा ट्रॉफी हंटरों के लिए काफी सही है। भाई लाल अच्छा नहीं लग रहा, ये चेंज कर नहीं सकते, इसको सेमी प्रो कर देते हैं। स्टेडियम ये रख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑन है। अरे हाँ वो कम कर, वो हटाना है साला, कहाँ है वो? क्या ये नेट टेंशन? ये भाई ये नई नई चीजें आ रही हैं। अरे वो कहाँ है यार, तुम मुझे वो बताओ। इधर ऑफ करने का ऑप्शन ही नहीं है ना मेरे हिसाब से। ऊपर ये क्यों आ रहा है, शूटिंग और पोजेशन वाला मेन्यू? कंट्रोलर सेटिंग इस पे हो जाएगा क्या? हाँ निकल यहाँ से, दिमाग खराब इंसान, टाइम फिनिशर कहीं का। बहुत भेजा फाता है ये मेरा। देख मैं इधर तो करने भी नहीं वाला, नए टाइप की चीज दिखा रहे हैं लोग, मुझे कोई मतलब नहीं है, अभी ट्रॉफी मिलने भी नहीं वाली तो मैं क्यों करूं। हेलो, इट्स अ रियल प्लेजर टू बी विद यू फ्रॉम वेस्ट लंदन, फ्रॉम स्टैमफोर्ड ब्रिज। माय नेम इज डेरेक रे एंड विद मी फॉर कमेंट्री इज द फॉर्मर आर्सेनल एंड इंग्लैंड फुलबैक ली डिक्सन, एंड दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्ट्स इन द यूएफए चैंपियंस लीग, द ग्रुप स्टेज एंड मैच डे 1। माय गुडनेस, सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू। ओके गाइस, ये चीज है कि पहली बात तो ये 4K पे, हाँ ये 4K पे खेल रहा हूँ मैं एक्चुअली, बस रिकॉर्ड 1080p पे कर रहा हूँ। अरे उसको निकाल लेना चाहिए, मैं L2 दबा रहा था, मल्टीप्लेयर में तो निकाल रहते हैं, इधर नहीं निकल पाया। अब मैं पूरी टीम को कंट्रोल कर रहा हूँ ना। भाई ये बड़ा धीरे भाग रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। ये बहुत ही धीरे भाग रहे हैं भाई, कछुए की तरह भाग रहे हैं। Keeping possession of the ball with authority. Stopped there by Marquinhos. कितना रोकते हैं भाई।
अच्छा उधर जा रहा है क्या? ये R3 से एक तो ट्रेनर ऑफ करने का ऑप्शन होना चाहिए। अरे बड़े धीरे हैं यार ये लोग, बहुत ही धीरे हैं ये लोग। मैं फीफा 19 खेल के आया हूँ इसलिए बोल सकता हूँ। लग ही नहीं रहा भाग रहे हैं ये लोग। And make no mistake, Lee, Real Madrid expect to progress to the knockout stages in every Champions League campaign. Nevertheless, every वो तो ठीक है, गोल ठीक है, मुझसे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसने वहां यार स्लाइड मारी, मेरे को लगा वो मेरे पास है तो मैं फटाफट स्क्वायर दबा रहा हूं। गुड लुकिंग सीक्वेंस। Let's go guys, हो गया हमारा पहला गोल। मेरे को पता पहले क्या लग रहा था, ऑफसाइड हो सकती है, जब मैंने इधर पास दिया ना ये, लेकिन ये भागते हुए आया ना तो मैंने उसी टाइम दे दिया था पास, इसलिए ऑफसाइड नहीं हुई। या अगर एक सेकंड के लिए कहीं रुक जाता ना उधर आगे जाकर तो ऑफसाइड हो जाती है। भाई साहब भागते हुए आया ना इसलिए बच गए। चल क्या रहा है, सब लोग इतने धीरे धीरे चल रहे हैं भाई। ऑफ साइड, अरे यार कुछ अलग करना है मुझे, जैसे मेरे मल्टीप्लेयर में कुछ चांसेस तो बने जीतने के। भाई ड्रॉ से आगे मैं एक दो मैं जीता हूँ आज तक 7-8 मैचों में। कितना भी सामने मेरे से कितना भी गंदा खेलता हूँ ना, वैसे मैं ऑनलाइन में हमेशा मेरे साथ होता है, मैं बहुत ही गंदा खेलने लग जाता हूँ, मेरा कोई होता ही नहीं है। वैसे ऑफलाइन में उससे काफी गुना अच्छा खेलूंगा, लेकिन मैं ऑनलाइन में जैसे ही जाऊंगा ना वैसे ही मेरी बच जाएगी। जैसे कुछ अरे मैं उधर करना नहीं चाहिए था लॉजिकली, तो मैंने ट्रायंगल दबाया, चीटिंग है। इतने धीरे भागेंगे ना ये लोग तो आराम से बॉल का पोजीशन लूज कर सकते हैं। साला ये कीपर अच्छा खासा लंबा है यार, मेरे अल्टीमेट टीम में मेरे पास 62 का कीपर है, मिलता ही नहीं है कीपर अच्छा वाला। मैं सोचा कि कल पैक खोलता हूँ मैं, मिल जाएगा एक कीपर तो, लेकिन एक कीपर ही नहीं मिला। अब देखो इधर फीलिंग आती है कि सेमी प्रो कुछ ज़्यादा ईजी है, ठीक है, लेकिन पता नहीं कि वुमेन्स वाला जो गेम है ना उधर, तो भाई सेमी प्रो पता नहीं कैसा हो जाता है अजीब सा। अरे हाँ एक सेकेंड, किसी दिन मैंने गलती से ऑप्शन में यस कर दिया था ना प्रोफेशनल के लिए, वो रहा होगा भाई, अभी अभी ध्यान दिया मैंने। भाई साहब मेरे को याद ही नहीं था, मैंने एक दिन यस कर दिया था, मैंने वापस चेंज शायद ही किया है। गिरा रहा है मुझे, चीटिंग है भाई, गिराते नहीं ऐसे। अबे बाहर से अंदर ले आया यार ये तो काफी, मैं बाहर भेज देता हूँ। जान पूछ के पास दिया इधर, देखो इधर मेरे को जीतने से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो बस एक बार खेल के देखना था। Edinson Cavani now.
It's an excellent attack from PSG, but will there be an end product? Well, he stopped them in their tracks. Oh, goodness, he was right on top of the situation to get the ball back for his team. Neymar! That really was a terrific save by the Belgian. What's his name? Keeper's name? Short corner it is. Well, the clearance half-hearted. That is excellent pressure high up the pitch. Bodies forward and the break looks on. Running towards goal. It's got to be. Are ya? A bit of damage. A sloppy pass. Toni Kroos. हैं यार L2 पे एंगल ही नहीं बना मेरा ओए एक सेकंड अभी मैंने नोटिस करा ऑफसाइड दैट्स ऑल ही नीड्स टू बी अ फ्रैक्शन एंड इट वाज सो क्लोज सब्स्टिट्यूशन इट इज फॉर पीएसजी नेमार प्लेइंग विद पर्पस एंड ये मुझे पता नहीं चल रहा कि अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना जैसे तो उसमें धीरे लग रहा है मुझे खेलने में तो लेकिन रिकॉर्डिंग में लगे या नहीं लगेगा ये पता नहीं चल रहा ये आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा कि मुझे तो बड़ा धीरे लग रहा है बड़ा स्लो लग रहा है मैं जीत रहा हूँ यार मेरे को की चिंता वैसे मेरे को ईजी लगता फिर ज़्यादा ईजी लगने लग जाएगा तो मतलब ही क्या तो इसलिए अच्छा उन्हीं को दे दो भाई उन्हीं को देते रहो बॉल गोल करेंगे लेकिन जिस हिसाब से ये लोग भाग रहे हैं ना लगता नहीं कि गोल इतनी आसानी है इस गेम में And in the second half, the signs are positive. They can't relax, Lee, but they ought to be pleased. Well, with a narrow lead and the clock ticking away, it's so easy for the rail players to lose concentration. Asking the referee how long to go, looking over at the bench. Stay I like the side wale pe aim aa jayega mera. Ball lost by PSG. Karim Benzema. Oh, stylish ball. What can they do now? Vinicius Junior. So it's going to be a goal kick here. PSG. ऐसे ही कर लेते हैं मेरा गेम मैं तो ध्यान देता नहीं होता सब्स्टिट्यूशन पे तो स्टैमिना के लिए सब्स्टिट्यूट किया है मैंने सच बताऊं तो एक फुली स्टैमिना वाला बंदा आ जाए तो अच्छी बात ही है एडिनसन कावानी नाउ एन इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शन Just a couple of minutes left for play. For today's man of the match, number 10. Real Madrid moving the ball with purpose. What can they do from this position? The fourth official has indicated. Now Casemiro. 2 minutes. Keeping possession of the ball with authority. Real Madrid have been awarded the free kick. Are nahi, nahi. नहीं यार मैं देखना भूल गया क्या था ये क्या क्या नई नई चीजें डालते हैं यार ये लोग भी यार कोई लीग ही नहीं थी भाई दो टीम तो सेलेक्ट करके किक ऑफ करा हमने उसमें टीम कहाँ से आ गई भाई कि वो जीत गए 3 पॉइंट के साथ ये कहाँ का लॉजिक है बस यार एक बार मेरे को कहीं फ्री किक का वो हो जाए कि कैसे करनी है कोई देखना पड़ेगा भाई फीफा 20 लेने के बाद देखना पड़ेगा 10 घंटे मिलेंगे ना उनमें देखना पड़ेगा मुझे
क्योंकि ये मुझे फ्री की कभी भेजे के अंदर नहीं गई मेरे, मैं तो क्या हुआ जल्दी में स्किप कर दिया, मेरे को मैं भूल गया था कि इन लोगों ने इसमें चेंज किया है, मैंने फटाफट था 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 करके स्किप, खत्म कहानी। बट अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप सबको मज़ा आया हो इस वीडियो में तो धमाकेदार जोरदार फटाकेदार दिवाली आने वाली है तो फटाकेदार लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ जो जो फीफा खेलते हैं और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस। 499X2 आउट।